नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार में ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है जो कि बिहार कार्यालय परिचारी के नाम से है। नई भर्ती 2024 है। इसका योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और कैसा जॉब है, ये सब चीज़ आपको बताने वाले हैं। जैसे कि बिहार कार्यालय परिचारी का मतलब क्या होता है, यह कैसा जॉब है, उसके बाद आप लोग को हम इसका क्या क्या लगने वाला है, सिलेबस में क्या क्या होगा वो सब बताएंगे। फिर आप देख सकते हैं आगे इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो भी बताने वाले हैं। उसके बाद इस वैकेंसी के लिए क्या क्या जरूरी हैं वो सब पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पोस्ट पे और फिर आपको इसका पूरा डिटेल हम अच्छे से बताने वाले हैं कि कहां कहां आपको क्या क्या समझना चाहिए और कैसे इस वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जितने भी बिहारवासी हैं, जिसके पास बिहार का वासी है, इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे ही। ये ऑल इंडिया का वैकेंसी, आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नई भर्ती 2024 है, कब से अप्लाई हो रहा है, क्या है, चलिए इसको शुरू करते हैं। 18 तारीख यानी 18 मार्च से यह अप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो आप सभी को अप्लाई करना है, कितना सीट है, क्या है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी का मतलब क्या होता है, आखिर ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ये कैसी वैकेंसी है। सबसे पहले समझिए, कार्यालय परिचारी को अंग्रेजी में ऑफिस अटेंडेंट कहा जाता है। इससे पहले इस पद को चपरासी के नाम से भी जाना जाता था, यानी ग्रुप डी, बिहार ग्रुप डी के नाम से, और ये अभी कार्यालय परिचारी है। इसे बदलकर कार्यालय परिचारी का नाम दे दिया गया है। ये ग्रुप डी स्तर का पद है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन है। और अगर इसका आप सैलरी का बात करते हैं तो करीब करीब आपको यहाँ पे 25,000 रुपये का सैलरी भी मिलने वाला है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जितने भी लड़के और लड़कियाँ हैं इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई डेट अभी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या इसके लिए आपका अप्लाई डेट होने वाला है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार कार्यालय परिचारी यानी बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा वैकेंसी निकला है। बिहार में 35% सीट महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है। और कौन कौन सा पद है ध्यान दीजिएगा, रात्रि प्रहरी का पद है, दरवान का पद है, सफाई कर्मी का पद है। अब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है कि वो पद हम भरना चाहते हैं, आप भर सकते हैं। रात्रि प्रहरी यानी कि नाइट ड्यूटी हो गया नाइट गार्ड का, दरवान हो गया गेट पे, और सफाई कर्मी अलग अलग काम आपको दिया जा सकता है ग्रुप डी के स्तर पर। तो ये हो गया, ये समझ गए। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसका योग्यता क्या है। तो 10th पास अगर आप लोग कर लिए हैं ना तो आराम से इसको भर सकते हैं। 10th पास के साथ साथ आपको चाहिए कि साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए, मतलब साइकिल आप लोग को चलाना आना चाहिए, ठीक है। साइकिल चला लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग इस जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। साइकिल नहीं बन पाया अच्छे से, लेकिन आप लोग को साइकिल चलाना आना चाहिए। बात यह है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हवाई जहाज़ चला रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। साइकिल चलाना आना चाहिए क्योंकि इस जॉब में आप लोग को इस काम के लिए साइकिल दिया जाएगा जिसको चलाने आपको आना चाहिए खास करके, ठीक है। तो 10th पास होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी बोलने का थोड़ा सा मतलब ज्ञान होना चाहिए उसका, कोई ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन होना चाहिए थोड़ा सा ज्ञान आपको, और साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। बस साइकिल चलाने में उम्मीद करते हैं सबको आता ही होगा, लड़कियों को भी आता होगा, जिसको नहीं आता नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसका अप्लाई डेट कब होने वाला है। तो अप्लाई डेट आपका 18 मार्च से शुरू हो रहा है। कब से? तो 18 मार्च से आप लोग का अप्लाई डेट शुरू हो करके 2 अप्रैल तक रहने वाला है और इसको आप लोग भर सकते हैं इतना दिन के बीच में। एज 18 साल मिनिमम है, मतलब 18 साल अगर आप लोग का पूरा हो गया है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन एज काउंट भी दिया गया है 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 से आपका एज भी काउंट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल तक मैक्सिमम उम्र दिया गया है, 37 साल तक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट को 40 साल तक, ओबीसी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 40 साल तक, मतलब 18 से लेकर के 40 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के मेल फीमेल के लिए 42 साल तक। तो मैक्सिमम उम्र देखिए बिहार में क्या है ना कि मैक्सिमम उम्र दिया ही जाता है सब दिन से, किसी भी वैकेंसी में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एससी एसटी के लिए 42 है, तो ये उम्र हो गया, आप ये एज काउंट हो गया, आप ध्यान रखिएगा। फी का अगर हम बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी मतलब ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 300 रुपया लगने वाला। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे अदर स्टेट के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पे 300 रुपया लगने वाला है, ठीक है, 300 रुपया। और एससी एसटी पीएच और फीमेल ऑल कैंडिडेट के लिए 150 रुपया यहाँ पे फी रखा गया है, मतलब 300 किसके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए, एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए 150 रुपया। अब आप लोग बताइए कि कौन कौन लोग इसको भरने वाले हैं और कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, और आप बताइए कि कब आप लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि डेट भी थोड़ा सा देखेंगे आप कम दिया गया है इसमें। बाकी हम अगर बात करते हैं इसका जॉब का, तो जॉब आपका लेवल 1 का होने वाला है, ठीक है। लेवल 1 का जॉब है जिसमें सैलरी आपको बताए करीब करीब 25,000 रुपया आप लोग को पर मंथ मिलने वाला है और ये बढ़ते रहेगा पर ईयर, मतलब 2,000-3,000 रुपया हमेशा बढ़ते रहेगा आप लोग का। और जॉब भी आपका ग्रुप डी का है, सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है,
ठीक है, ये भी है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं बिहार में विधान परिषद, यहाँ पे आपको काम करना होगा। ये सब जो है निकाला गया बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा, तो यहीं पे काम मिलेगा आप लोग को। अब थोड़ा सा बात कर लें हम सिलेबस इसका क्या होगा। सिलेबस का अगर बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग पूछेंगे कि फॉर्म भरने के बाद क्या होगा। सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए, वो एग्जाम आपका इस सिलेबस पर होगा। और एग्जाम होने के बाद आप लोग का जो रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार आप लोग का सिलेक्शन भी होना है। यानी कि जितना अच्छा नंबर आप लोग रिटर्न में लेकर के आएंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा आप लोग का सिलेक्शन होने का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका 100 क्वेश्चन में से कितना मार्क्स रहेगा, तो 400 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 2 घंटा का मैक्सिमम समय आपको दिया जाएगा। लैंग्वेज जो आपका रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आने हैं, तो ये क्वेश्चन का प्रकार। और सबसे बड़ी बात कि मात्र 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का ही वैकेंसी है, आप 10th पास पर ही इसको डाल रहे हैं, तो 10th लेवल का पूछेगा। 10th लेवल का मतलब क्या होता है, तो GK का जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी लगेगा आपको कि 10th लेवल का है, मतलब नदी, झील, झरना, प्रपात। और इतिहास में आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन से, आधुनिक से क्वेश्चन रहेगा आपका, और वो 40 क्वेश्चन रहने वाला है। और GS मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, दिया गया है यहाँ पे कि GS और मैथ को मिला करके 30 क्वेश्चन पूछेंगे, तो लगभग 15 क्वेश्चन आपका GS से हो जाएगा और 15 क्वेश्चन आपका मैथ से हो जाएगा। ये दोनों से, ये इससे आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, और इससे 15 क्वेश्चन हो जाएगा। तो लगभग आप देखेंगे कि GK GS को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो रहा है, 55 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब 55 क्वेश्चन अगर है तो इसके लिए कोई क्लास भी करना जरूरी होगा। अब GK जैसा क्लास मेरे टेलीग्राम पे चल रहा है, ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के लिए ही चल रहा है, वो बिहार पुलिस हो, ठीक है, आपका DLED हो, या आप कह सकते हैं कार्यालय परिचारी भी काम करेगा, इसलिए क्योंकि बिहार का ही एग्ज़ाम है। मात्र उसका फीस 35 रुपया हम रखे हैं, ठीक है। कितना है फीस? 35 रुपया फीस रखा गया है, 35 रुपया। अब ये आप लोग पे कर ही सकते हैं, जितने भी लोग हैं जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया होगा। अगर आप लोग को परेशानी है तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। कोई भी मैसेज करिएगा आपको लिंक चला जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, आपको लिंक चल जाएगा वो क्लास का। 35 रुपया मात्र आपको पेमेंट करना होगा, 35 रुपया, और आपका एडमिशन हो जाएगा उस क्लास में। उस क्लास में क्या क्या मिलेगा, तो GK के भी क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के भी होंगे, GS के भी होंगे, और साथ में हिंदी भी मिल जाएगा, जो कि और एग्जाम में आपका काम करेगा। जल्दी जाकर जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया। अगर आगे बात करते हैं, रीजनिंग का संख्या 30 होगा, मतलब कि 40 क्वेश्चन GK से, 30 क्वेश्चन GS और मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, सब मिला करके आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। और आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध करंट अफेयर्स को मिला करके GK से क्वेश्चन रहेगा। अर्थमेटिक एडवांस को मिला करके आपका मैथ से क्वेश्चन रहेगा। और GS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग से, वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आपका रहेगा। और क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो 10th होगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में आपको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मेरिट किस पे बनेगा, मेरिट बनेगा आपका रिटर्न के आधार पे, 10th पास, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान, साइकिल चलाना। और कट ऑफ कितना जाएगा, तो करीब करीब आप लोग को समझ करके चलना है कि 80 प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही। ये आप लोग समझ गए किसके बारे में, कार्यालय परिचारी के बारे में। अब बताइए कि आप लोग को कब भरना है और कितने लोग इसका इंतजार कर रहे थे। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करेंगे तो पदनाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेतन स्तर देख सकते हैं, आरक्षित हो गया यहाँ पे, अनुसूचित जाति मतलब आरक्षित के लिए यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति यहाँ पे महिला के लिए 35% आरक्षण है सीट में, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए यहाँ पे है, और टोटल पद की संख्या आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे है कि कितना कितना सीट है, तो रात्रि प्रहरी के लिए जनरल में 1 सीट है, बाकी आप देख रहे हैं 0 है, 2 सीट है किसके लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 सीट है किसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, और 1 सीट है EWS वालों के लिए, टोटल 5 सीट हो गया, ठीक है। अब दरवान के लिए बात करेंगे, जनरल के लिए 0 है यहाँ पे दरवान में, तो जनरल वाले अगर भरना चाहते हैं तो इसमें नहीं भर पाएंगे, वो ये दोनों भर सकते हैं। बाकी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 1 सीट है, फिर 1 सीट है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 सीट है आपका पिछड़ा वर्ग के लिए, और कुल पदों की संख्या 3 है यहाँ पे। 4 पद आपका दिया गया है जनरल के लिए सफाईकर्मी में, 4 पद है आपका अनुसूचित जाति के लिए, 1 पद है आपका अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, 2 सीट है आपका आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए, टोटल 18, मतलब कि इसमें सभी के लिए दिया गया, सभी आपका कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट दिया गया। तो ये आपका सीट हो गया और पद का नाम हो गया, सब लेवल 1 का जॉब है ये बता दिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानिए आप लोग आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा जरूरी होगा जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ, मतलब आपका एक फोटो होना चाहिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कभी कभी हो, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, 1 साल 2 साल का भी रहेगा चल जाएगा, ये फोटो होना चाहिए, इसका स्कैनर होना चाहिए। मतलब अगर आप देखिए जाकर साइबर कैफे में भरवाते हैं, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, सब कर देगा। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपका
वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है, मतलब कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, कुछ भी है कोई दिक्कत, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आवासीय आपका होना चाहिए, ठीक है। कास्ट नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, यानी कि अगर आप इस कैटेगरी से हैं, कास्ट का अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं कोई भी, तो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म डेट से पहले का होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी और पीएच कनेक्ट वालों के लिए भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बना होना चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपको लगता है कि वो लगाना चाहिए वो आपका पहले से बना होना चाहिए, तब आप उसमें अटैच कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। और टेंथ का मार्कशीट आपका लगेगा, ठीक है, ट्वेल्थ का जरूरत है चाहे नहीं, लेकिन टेंथ का जरूर, क्योंकि टेंथ पे वैकेंसी है। अब बात करते हैं आपका परीक्षा को लेकर के, तो बता ही दिया आपका सिलेबस क्या होगा। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मतलब OMR क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा आपका, ठीक है, चार ऑप्शन रहता है ना, उसमें किसी एक का चयन करना पड़ेगा, ऐसे करके रंगना पड़ेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होने वाला है। परीक्षा कुल 400 अंक की होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि परीक्षा का भाषा कैसा होगा, तो भाषा में आप देखेंगे कि माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा दोनों, यदि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, मतलब कोई गलती हो गया। अब हिंदी का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, अब हिंदी में कुछ गलत शब्द हो गया और इंग्लिश वाला सही है, तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, ठीक है, अगर दोनों का गलत होगा तो इंग्लिश वाला ज़्यादा मान्य होगा, इंग्लिश का प्रश्न सही माना जाता है, पता नहीं क्यों। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगी आपको बताए, सामान्य विज्ञान और गणित को मिलाकर के 30 यानी कि 15-15 हो सकता है दोनों से क्वेश्चन आपका जीएस और मैथ से। मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी, ठीक है, मतलब रीजनिंग का संख्या 30 होगा, ये आपको बता ही दिए। और क्लास से जरूर जुड़िए जाके, आप लोग को बहुत फायदा होगा, 1800+ क्वेश्चन वहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, 1800+ जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, ऑथेंटिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, तो इससे जरूर आप लोग जुड़िए जाकर के। 35 रुपया मात्र उसका चार्ज है और आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे क्विज भी कराया जा रहा, 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं जाकर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ आप समझ गए जो कि आपके लिए जरूरी था, और आपको ये भी समझ में आया बिहार कार्यालय परिचारी जो कि विधान परिषद के द्वारा निकला हुआ है, सीट तो मानते हैं थोड़ा सा कम है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे और कोई ना कोई जॉब उनको मिलेगा और वो जॉब करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, सब चीज़ आपको हम बता दिए जो कि आपके लिए जरूरी था। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोई अपडेट आपके सामने लेकर के आएंगे जरूर। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ये तीनों चीज़ SLS तीनों चीज़ जरूरी है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।